हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा प्रीवियस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था या एनालिसिस करने का जो प्लेटफॉर्म था, बहुत सिंपल वे में जो मैं आपको दिखा रहा था वो फायर्स था। तो उसमें जो टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है मैं वहाँ पे अभी शिफ्ट हो रहा हूँ धन पे, और धन पे मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगने लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है और जो इसका एनालिसिस एक्सपीरियंस है, जो इसका इंटरफेस है, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे मतलब एक ही जगह पे आपको सब कुछ सारी चीज़ें मिल जाएंगी जैसे आप ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिलता था। लाइक ट्रेडिंग व्यू पे जैसे आप उसमें खोजते हो कि यहाँ पे न्यूज़ क्या चल रहा है या फिर ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो है, ग्लोबल या डाओ या फिर जो भी लेवल है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है अप एंड डाउन, तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे धन आपको प्रोवाइड करता है। और आपको मैं बता दूँ, इसके लिए 1 रुपीस चार्ज नहीं लगने वाला है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप जो है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और बाकी आपके दोस्त फैमिली रिलेटिव्स उनको भी ये चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो जो है मैं इसके ऊपर में बनाने वाला हूँ और इसके बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो जो इनका वेबसाइट है, मैं इनका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आते हैं कि मैंने यहाँ पर ही क्यों चुना। देखिए आज जो है इसका पहले वेब मतलब जो डेस्कटॉप वर्जन है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे जो है मैं इसका एप्लीकेशन बेस्ड में बात करूँगा कि एप्लीकेशन बेस्ड में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग डेस्कटॉप मोड पे बात करेंगे और इसका अकाउंट ओपनिंग कैसे होता है, प्राइसिंग कैसे होता है, चार्जेस क्या है, सारी चीज़ें हम लोग जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो है धन का यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप प्रोडक्ट में जाओगे, यहाँ पर प्रोडक्ट में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए धन का जो ऐप है आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और मैक पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इनका जो धन का जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, और ये काइंड ऑफ जीरोधा की तरह ही है। लाइक जीरोधा देखिए एग्जीक्यूशन के मामले में नो डाउट वो बहुत अच्छा है एग्जीक्यूशन के मामले में, बट यहाँ पे मैं अगर बात करूँ एनालिसिस के मामले में तो ये जो आप देख रहे हो जीरोधा, इसको मैं 0 स्कोर दूंगा। मतलब एनालिसिस के मामले में 0 स्कोर क्यों? क्योंकि आप जब भी इस प्लेटफॉर्म को विजिट करोगे, ये जो भी आपने यहाँ पे मान लीजिए आपने इसको सेव किया रहेगा, तो आपको यहाँ पे पहले उसको लोड करना पड़ेगा, फिर उसको जो के जो आपको जो जो सेटिंग्स है वो चेक करना पड़ेगा, फिर आप जो है यहाँ पे एनालिसिस करने बैठोगे। तो ये हर टाइम का होता है, हर सीनरी होता है, जब जब आप यहाँ पर विजिट करोगे तब तक आपको यहाँ पर लोड चार्ट करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सेटिंग करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसके बाद अगर आप नहीं करोगे तो एज बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप इसको विजिट करोगे ये कुछ इस टाइप का आपको वॉल्यूम देगा, उसके बाद ये इस टाइप का ग्रिड लाइन वर्टिकल लाइन आपको देगा। तो मुझे इससे बहुत ही चिढ़ है, बहुत ही नफरत है, जो कि बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस लगता है मेरे हिसाब से अगर मैं जीरोधा का बात करूँ। बट एग्जीक्यूशन के मामले में मुझे अच्छा लगता है, एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ही फास्ट है जीरोधा। और बाकी जो एंजल ब्रोकिंग हो गया, इनका जो एनालिसिस करने का तरीका चार्ट है, ये भी मुझे पसंद नहीं है। मैं सिर्फ 2 चीज़ों पे एनालिसिस करता हूँ, एक तो ये हो गया आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि ट्रेड टाइगर पूरा एक्यूरेट डेटा शो करता है, बट इसमें है कि आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हो तो वहाँ पे आपको 30 डेज से ज़्यादा डेटा नहीं मिलता है, तो वो एक डिसएडवांटेज है। बट इसको पूरा करने के लिए जो कि है मैं इसको धन के साथ जो है अप्लाई करूँगा, क्योंकि धन जो है आपको 30 डेज से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको डेटा प्रोवाइड करता है जस्ट लाइक ट्रेडिंग व्यू। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको मैंने यहाँ पर क्लियरली बता दिया कि मैं क्यों धन पर शिफ्ट हुआ। तो अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स में क्या क्या आपको चीज़ें मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर आप इक्विटी पे ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही इजीली यहाँ पे हो जाएगा। सेकेंडली अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए आना चाहते हो, लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग पे लाइक बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लाइक डेटा देखिए ऑप्शन सेलर्स के लिए जो है, बायर्स के लिए जो वो बहुत ही मैटर करता है डेटा। अगर वो डेटा सही तरीके से शो करता है तो आप यहाँ पर अच्छे खासा जो है यहाँ पर पैसा अर्निंग कर सकते हो।
ऑप्शंस के थ्रू पे। तो ये जो है चीज़ें इन्होंने अभी हाल फिलहाल में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो काफ़ी अच्छी सर्विस है इनका। और अगर आपका मतलब मल्टीपल टाइम मतलब स्क्रीन है या बहुत सारे स्क्रीनर्स आपने लगा रखे हैं, तो इनका जो है धन का वेब एप्लीकेशन पे भी बहुत अच्छा है, इस पे भी बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बिगर स्क्रीन बेटर एक्सपीरियंस फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग ऑन वेब, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अगर आप API वगैरह पे करते हो, लाइक आपका खुद का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आप वहाँ पे बस इनका जो ब्रोकर है इनके थ्रू पे आप यूज़ करना चाहते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। सेकेंडली जो है, जैसे आपको फायर्स पे ट्रेड करने के लिए मतलब मौका मिला करता था, लाइक डायरेक्टली आप ट्रेड मतलब चार्ट से ही डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, तो सेम चीज़ आपको धन पे भी मिलेगा। और उसके बाद जो स्मॉल केसेस है धन पे, जैसे जीरोधा वगैरह हो गया, वहाँ पे सारी कुछ चीज़ें लाइक देती हैं सजेशन के लिए कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इनका भी जो है यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल धन जो है ये 6 आपको जो है प्रोडक्ट्स आपको सर्विस करते हैं, ठीक है। और अगर आप इस वेबसाइट का जो ये होम पेज है, अगर आप नीचे जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो, लाइक ये इक्विटी, IPO, स्टॉक्स और ऑप्शंस, ETF, सारी चीज़ों पे ये जो है डील करते हैं, चाहे वो फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, करेंसी हो, कॉमोडिटीज़ हो, सब कुछ, ठीक है, जस्ट लाइक अदर ब्रोकर्स। तो यहाँ पे आप अगर ओपन करना चाहते हो, तो ये मैं आपको मैं बाद में बताऊंगा। और अगर आप धन वेब इसमें भी हम लोग बाद में जाएंगे, ठीक है। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट से अगर आप लॉगिन करना चाहते हो, तो वो भी मैं आपको शो करूंगा। बाकी अगर हम नीचे जाएंगे, तो आपको कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो यहाँ पे भी आपको वो चीज़ मिल जाएगा कि देखिए, गेट रेडी फॉर अ पावरफुल ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्सपीरियंस डिजाइन स्पेशली फॉर FNO ट्रेडर्स, ठीक है। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेड करते हो, तो आप यहाँ धन से भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ट्रेड को बहुत सारे मतलब इतना अच्छा अच्छा स्पेसिफिकेशन है कि मैं क्या बताऊँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट आउटलुक है, प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज है, जैसे आपको पता है ऑप्शंस अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, तो उसमें स्ट्रेटजी भी काफ़ी मैटर करती है। तो यहाँ पे आपको प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज भी मिल जाती है। उसके बाद लाइव मार्केट स्कैनिंग कर सकते हो, उसके बाद स्क्रीनर भी यूज़ कर सकते हो, उसके बाद पे ऑफ ग्राफ्स वगैरह, जैसे लाइक आप जब आप कोई स्ट्रैटेजी वहाँ पे टेस्ट करते हो, तो वहाँ पे ग्राफ शो होता है ना कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉस कितना होता है, वो भी आप कर सकते हो। और ऑप्शन ग्रिप्स के बारे में तो आपको पता होगा, थीटा, गामा, डेल्टा, ये सब चीज़ें होती हैं, ये भी आपको जो है अवेलेबल किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो काफ़ी ब्रोकर्स जो है बात करते हैं कि हम लोग कितना AMC रखे, जो कि जो हम जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा रहे या बुरा रहेगा। तो देखिए, कोई कोई ट्रेडर्स मतलब जो होते हैं उनको पसंद रहता है कि नहीं, मुझे कोई भी AMC यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कुछ नहीं देना है, तो इस टाइप का मुझे चाहिए। तो आपको मैं बता दूँ कि ये सबसे बढ़िया है कि आप देख सकते हो इनका ओपनिंग जो अकाउंट ओपनिंग है फीस वो नहीं लगता है, AMC नहीं लगता है, प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए नहीं लगता है। बट अगर हम दूसरे ब्रोकर्स का बात करें, तो वो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। दूसरा है कि अगर आप इक्विटी डिलीवरी पे कोई भी पोजीशन लेते हो, तो उसमें आपको 0 चार्जेस मतलब कोई चार्जेस नहीं लगता। बट फिर अगर कोई ब्रोकर होता है, तो वो फिर से आपको चार्ज करता है। चाहे देखिए, यहाँ पे अगर IPO भी अलर्ट होता है, तो आपको यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता। ETFs वगैरह आप अगर क्रिएट करते, तो उसमें भी आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता। अब बात करते हैं कि इक्विटी इंट्राडे अगर आप करते हो या फिर कोई भी सेगमेंट करते हो, चाहे वो फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, तो यहाँ पे आपको देखिए, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करते हो, तो आपको पर ऑर्डर 20 रुपीस देना पड़ेगा। बट यहाँ पे कई कई ब्रोकर जो है 15 रुपीस में भी दे देते हैं, कोई कोई 10 रुपीस में भी दे देते हैं। बट उनका जो है वो क्लासिक जो है होता है वो नहीं रहता है, जो वो मतलब क्या मैं बोलूँ, देखिए जो उस तरह का सर्विस होना चाहिए, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट टाइम पे नहीं होगा, या फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट के में कुछ ग्लीचेस आ जाए, तो उस टाइप के जो है आपको बहुत चीप रेट में देते हैं। क्योंकि देखिए, हमेशा चीप में जाएंगे तो वहाँ पर चीप ही सर्विस मिलेगा। बट यहाँ पे सर्विस देने का टाइम, देखिए यहाँ पे इनको आपको सर्विस देने के लिए
पैसा देना नहीं पड़ रहा है, बट आप इनको सर्विस देने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखिए 20 रुपीज़ का चार्जेस है, बट यहाँ पे AMC चार्जेस नहीं है, ये चार्जेस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और उसके बाद दूसरा अगर बात करें कि अगर आप करेंसी वगैरह में ऑप्शंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी सेम आपको 20 रुपीज़ ही लगने वाला है। तो इस और इस चीज़ को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, लाइक इनका मार्जिन कैलकुलेटर कितना है। अगर आप इस पर भी वीडियो चाहते हो तो मैं डेफिनेटली इस पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ, बस आपको कमेंट करके वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, तो मैं समझ जाऊँगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मुझे और एक वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए और नीचे चलते हैं और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या है। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी इनके पास अवेलेबल है, मतलब मार्केट ऑर्डर के बाद आप यहां पे ऑर्डर लगा सकते हो। फॉरएवर ऑर्डर, ये देखिए फॉरएवर ऑर्डर हर कोई ब्रोकर आपको प्रोवाइड नहीं करता है, मैक्सिमम 3 मंथ्स तक ही प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आपने यहाँ पे कोई भी ऑर्डर डाल दिया लाइक बाय के लिए या फिर सेल के लिए, तो यहाँ पे आपको एक वैलिडिटी दिया जाता है कि आप 3 मंथ से ज़्यादा आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, वो ऑटोमेटिकली ब्रोकर के साइड से वो कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आपने एक बार उसको बस लगा दिया तो यहाँ पे आपका लाइफ टाइम तक रहने वाला जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो जाता है या फिर आप खुद से उसको कैंसिल ना कर दो। तो ये होता है फॉरएवर ऑर्डर, जो कि ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है मुझे अभी तक का जो लगा। दूसरा बात करते हैं कि प्राइस अलर्ट, तो यहाँ पे देखिए 250 से ज़्यादा आप प्राइस अलर्ट लगा सकते हो और आपको रियल टाइम पे नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक 250 प्राइस अलर्ट आप सोच सकते हो, लाइक कम से कम बहुत ज़्यादा स्टॉक्स होंगे और उसमें पे आपको 250 अलर्ट्स लगाना, मतलब आपके पास लिटरली मैं सच बोलूँ तो पैसा कम पड़ जाएगा लेकिन ट्रेड्स का काम नहीं पड़ेगा। ये मैंने एक सर से सुना था तो वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि 250 का भाई प्राइस अलर्ट सोच रहे हो तो आप पागल हो जाओगे भाई, किस में ट्रेड करें किस में ना करें। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका स्मार्ट पोर्टफोलियो भी आपको अवेलेबल किया जाएगा, कि जिससे आपको पता चलेगा कि आपके रिटर्न्स कितने हैं, आप कौन से एसेट्स पे आप वहाँ पे अपना फंड्स को मतलब स्प्रेड कर रहे हो, कहाँ पे इन्वेस्ट करो, तो यहाँ पे भी आपको स्मार्टली वे में आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद डिविडेंड ट्रैकिंग, लाइक आपको अगर डिविडेंड मिलता है कोई भी स्टॉक्स में तो वहाँ पे भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो, वहाँ पे भी ये फीचर्स जो है दिया गया है। और अब बात करें सुपर ट्रेडर्स, यानी कि जो ट्रेडिंग करते हैं डेली बेसिस पे, तो उनके लिए क्या क्या स्पेशल फंक्शंस है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कैश पे, फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे, कमोडिटीज़ पे, करेंसी पे, आपको और क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बास्केट ऑर्डर मिल जाएगा, आप ऑप्शन चेन जो है आप डायरेक्टली ऑप्शन चेन में घुस के जो है वहाँ पे डायरेक्टली आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो या ट्रेडिंग कर सकते हो। और दूसरी बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है डीप OTM ITM। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको डेफिनेटली इसका मतलब पता है, और ये जो है आप एंजल ब्रोकिंग पे करते होगे, मुझे ये भी पता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन पे मिल जाता है कि अगर आप OTM ITM सेल करते हो डीप इन द मनी, तो ये भी डेफिनेटली आपका जो है ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर ज़रूरत पड़ा, अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं कि वन ऑप्शन रिवर्स पोजीशन, ठीक है। इसका मतलब होता है, सपोज एग्जांपल मान लीजिए अभी आप बाय कर रहे हो, ठीक है, बाय करके बैठे हुए हो और वो ट्रेड आपके बाय में ही चल रहा है और आपको लग रहा है कि अभी यहां से जो ट्रेंड है ये रिवर्स हो सकता है, तो आप इमिडिएटली जो है वो जो आपने पोजीशन ले रखा है बाय के लिए, आप उसको इमिडिएटली अल्टरनेट करके उसको सेल के लिए पोजीशन, मतलब वो एग्जिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और जो सेल होगा उसी प्राइस में वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, लाइक बाय से वो सेल हो जाएगा एक क्लिक में, ठीक है। तो ये होता है कि रिवर्स पोजीशन होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मिलेगा जो मतलब ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है, आप उसमें भी डायरेक्टली जो है बाय सेल कर सकते हो डायरेक्टली चार्ट पे। और उसके बाद ये प्लेसिंग ऑफ शेयर्स ऑप्शन भी मिलता है, और उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कूल फीचर्स क्या है, लाइक डार्क मोड, अगर आप लाइट मोड पसंद नहीं है तो आप डार्क मोड पे भी रख सकते हो। और उसके बाद अगर आप कोई भी स्टॉक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या बॉन्ड्स या फिर कमोडिटीज़ हो गया, कोई भी इंडेक्स हो गया आप सर्च करना चाहते हो, तो आपको वो
फुली अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको हर तरीके का स्टेटमेंट मिलेगा, चाहे वो आपने जो अकाउंट से ट्रांजेक्शन किया होगा या फिर जो आपने ब्रोकर्स के साथ जो मिल के आपने एक्सचेंज में जो सेगमेंट यूज़ किया होगा, FNO या इक्विटी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ अच्छा है। इनका जो सर्विस है वो मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा। लाइक 24 आवर्स आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, बट ये जो है आपको 24 आवर्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी रेफ़र करते हैं तो आपको धन की तरफ से रिवार्ड भी मिलता है, तो भी वो काफ़ी अच्छा। लाइक आपका ही ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है अगर मैं एक तरफ से बात करूँ तो। उसके बाद और कुछ नीचे डिटेल्स दे गई है, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप धन पे अकाउंट ओपन करते हो ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पे देखिए धन के तरफ से आपको कोई कॉल नहीं आने वाला है। लाइक क्या होता है कि जब भी आप कोई ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करते हो, चाहे वो ट्रेड टाइगर क्यों ना हो, क्योंकि मुझे जो है भाई सच में वो बता रहा हूँ, तो ट्रेड टाइगर का मैंने अकाउंट ओपन तो किया, बट यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करता क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोकरेज चार्जेस है काफ़ी हाई है। बट कभी कभार करता हूँ, बट यहाँ पे जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसी वजह से मैं उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता। तो मुझे ट्रेड टाइगर वालों की तरफ से फ़ोन आता है, मैसेज भी आता है कि आप ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हो, ट्रेड करो। क्योंकि देखिए ट्रेड करने से क्या होगा, उनका ब्रोकरेज जनरेट होगा, उनका प्रॉफिट होगा, तो उनका तो ठीक है भाई, लेकिन जो ब्रोकरेज है मुझे जाना ज़्यादा देने पड़ रहे हैं ना, इसी वजह से मैं वहाँ पर ट्रेड नहीं करूँ। बट यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, यहाँ पर अगर आप ट्रेड नहीं भी करते हो तो आपको इनके तरफ से कोई कॉल नहीं आएगा, कोई SMS नहीं आएगा, कोई स्पैमिंग नहीं आएगा, या फिर ये लोग कोई टिप्स सर्विस प्रोवाइडर भी नहीं है कि हम आपको यहाँ पर ट्रेडिंग एडवाइस दे या इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे, या भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। पूरा ट्रांसपेरेंट है, पूरा ट्रस्टेड है। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप मैनेजर नहीं है, लाइक आपको किसी और को बोलना पड़ेगा फिर वो कि थर्ड पर्सन को बोलेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो डायरेक्ट आपके साथ कोप अप करके डायरेक्ट आपके साथ डील करेंगे अगर आपको कुछ भी इशू होता है तो। और दूसरा बात, ये आपका जो डेटा है वो प्राइवेसी है, पूरा सेफ रखा जाता है, वो किसी के पास शेयर नहीं किया जाता है। धन का ये कहना है, जो कि मैं बिल्कुल ही मानता हूँ कि वो कभी भी अपना कस्टमर बेस को मतलब खतरे में रख के वो किसी और को डेटा सेल आउट नहीं करेगा, वो डेफिनेटली क्यों अपना ब्रांड को ख़राब करना चाहेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे फीडबैक भी दिया है, तो काफ़ी अच्छा है। और अपकमिंग जो इवेंट है यहाँ पे आपको सारी वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं प्राइसिंग पे। प्राइसिंग पे मैं आपको ये चीज़ तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखना चाहते हो लाइक इक्विटी में ब्रोकरेज कितना देना पड़ता है डिलीवरी में इंट्राडे पे, तो इंट्राडे पे देखिए अगर आपका मतलब कोई भी कम होता है, लाइक 20 रुपीज़ से अगर ज़्यादा अगर ब्रोकरेज जनरेट होता है तो 20 रुपीज़ होगा, अगर उससे कम होता है तो 0.03% आपका जो ऑर्डर के हिसाब से वो चार्जेस होगा। और ये आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन चार्जेस इतना है, GST इतना है, ब्रोकरेज 18% और ट्रांजेक्शन चार्जेस, ये जो चीज़ें हैं सभी चीज़ों से जो है लगभग सेम ही है। यहाँ पे STT जो चार्जेस है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, सेवी टर्नओवर फीस जो है, स्टैम्प ड्यूटी भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो डीमैट अकाउंट रिलेटेड चार्जेस है यहाँ पे आपको 0 रुपीज़ देना पड़ेगा, और AMC देखिए आपको 0 रुपीज़ से कुछ नहीं देना पड़ेगा, मतलब 0 ही है। प्लेटफॉर्म चार्जेस भी 0 ही है। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस में थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है। लाइक अगर आपने एक ही ऑर्डर लगा है और आप उसको भूल गए हो मार्केट टाइम से पहले एग्जिट करना, तो ये ऑटोमेटिकली अपने तरफ से इसको एग्जिट कर देगा, तो उसके लिए आपको 20 रुपीज़ देना पड़ेगा प्लस GST। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऑर्डर करते हो तो आप खुद के तरफ से इसको स्क्वायर अप करने की कोशिश करो। कई लोग होते हैं कि वो कंपनी को बहुत कुछ बोलते हैं कि आपका वजह से मेरा इतना हो गया, वो हो गया, आप कैसे एक्स्ट्रा डिडक्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस होते हैं, आपको खुद के तरफ से पहले उसको स्क्वायर अप करना पड़ता है, तभी जाके वो स्क्वायर अप होगा। अगर आप नहीं करते तो कंपनी जब स्क्वायर अप करेगा तो आपको तो चार्जेस तो देना पड़ेगा क्योंकि कंपनी आपके बिहाफ पे काम कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे कॉल एंड ट्रेड अगर करवाना चाहते हैं अपने अकाउंट से, तो उसके लिए आपको 50 रुपीज़ पर ऑर्डर
देना पड़ेगा, उसको प्लस GST भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ना करें मैं सजेस्ट करूँगा। और अगर आप DP चार्जेस वगैरह जो है उसको आपको 12.50 रुपीज़ पर ऑर्डर प्लस GST देना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें लाइक पेमेंट गेटवे हो गया, अगर आप UPI से पेमेंट करते हो, लाइक अगर आप बैंक से जो है ट्रेडिंग अकाउंट पे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपको 0 चार्जेस लगेंगे, या नेट बैंकिंग करें तो 0 चार्जेस लगेंगे। बट यहाँ पे अगर आप कोई भी अलग थ्रू पे करते हो लाइक NEFT वगैरह, तो वो एक बार थोड़ा सा कंपनी से पूछ लीजिएगा, वो सिस्टम वो अवेलेबल करते हैं। बट हालांकि मुझे नहीं लगता वैसा कुछ सिस्टम है, क्योंकि अभी आजकल के ज़माने में तो UPI ही चलता है या फिर नेट बैंकिंग चलता है, जो कि आई गेस सब लोगों के पास ही है। और ये ओवरड्यू इंटरेस्ट चार्ज के बारे में भी एक बार देख लीजिएगा, 0.05%। अब आता है मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखिए, अगर आप एक मतलब वुमन हो तो आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा इम्पॉर्टेंट ऑफ़र इनके तरफ से लेके आया गया है कि अगर आप इनके जो कंपनी है धन का, तो अगर आप वुमन हो, आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हो, तो यहाँ पे देखिए जो आपका इंट्राडे है या फिर FNO जो ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि 20 रुपीज़ आपसे लिया जाएगा, बट अगर आप वोमन हो तो वहाँ पे आपको 50% ऑफ मिलेगा, डायरेक्टली आपको 10 रुपीज़ पर ऑर्डर दिया जाएगा। लाइक आपको कोई भी ब्रोकर ये नहीं देता है, ठीक है? तो अगर आप वुमेन हो तो आप इस पर भी ट्रेड कर सकते हो, अगर आप मैरिज हो तो आप अपनी वाइफ के नाम पे भी ओपन कर सकते हो, आप अपनी बहन के नाम पे भी ओपन कर सकते हो, उसमें से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बट यहाँ पे एक ही एलिजिबिलिटी है कि वो जो ब्रोकिंग अकाउंट है, वो ब्रोकर जो अकाउंट है, यानी आप जो अकाउंट ओपन करे हो ब्रोकर के पास, वो बस आपका जो है एक फीमेल जो है कैंडिडेट होना चाहिए या फिर कैंडिडेट कस्टमर होना चाहिए, उसके जो है बिहाफ पे ही आप ट्रेडिंग ले सकते हो, अगर आप इस ऑफ़र को जो है यूज़ करना चाहते हो तो। और दूसरा, अगर मैं बात करूँ कस्टमर सर्विस का, तो इनका कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छा है। अगर आप कोई भी क्वेरी है आपसे, मतलब कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड या फिर कुछ भी लॉगिन इशू, या कैसे विड्रॉ करते हैं या फिर IPO वगैरह कैसे करते हैं, अगर आप कस्टमर से भी बात करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो अब बात करते हैं लॉगिन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे चलिए लॉगिन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको पहले अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ पे पिन देना पड़ेगा, जो कि मैं अपना पिन यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। और ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा इसका इंटरफेस, ठीक है? तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, लाइक अगर आप इन इक्विटी ETF फ्यूचर्स ऑप्शंस वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। मार्केट वॉच पे भी आपको, NSE पे अगर आप स्विच करना चाहते हो तो कर सकते हो, BSE पे भी कर सकते हो। यहाँ पे एड मनी डायरेक्टली ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। कई सारी चीज़ें अभी यहाँ पे देखिए, आपको अगर यहाँ पे ऑर्डर, मतलब कोई भी ऑर्डर करना है या फिर आपको ऐड करना है, तो ये कुछ इस तरह का आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐड पे डाल सकते हो और ये आपका इस तरह का ओपन हो गया। तो सबसे पहले चलते हैं कि चार्ट कैसे इसका ओपन होना है, कैसे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं चार्ट पे, उसके बाद आपको मिलेगा ट्रेडिंग व्यू पे। हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो ट्रेडिंग व्यू पे ये कैसे चार्ट ओपन होता है वो हम देखते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग व्यू पे ये कुछ इस तरह का चार्ट ओपन हो गया है, जो कि हम लोग ऑलरेडी ये देखिए, ये जो चार्ट है मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है, क्योंकि मुझे जो है चार्ट थोड़ा सा नीट एंड क्लीन चाहिए। वो ग्रीड लाइन, वो वर्टिकल लाइन मुझे सब बकवास लगता है, इसलिए मैं चार्ट को हमेशा नीट एंड क्लीन रखता हूँ, ताकि एनालिसिस करने में भी थोड़ा सा हमें इजी हो। तो देखिए, ये कुछ इस तरह का हमें जो है देखने को मिल रहा है, जो कि हमें स्टार्टिंग ऑफ द जो इसका मतलब ये जो भी स्टार्टिंग है वहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे टाइम फ्रेम का अगर मैं बात करूँ, टाइम फ्रेम का यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ जैसे कि ट्रेडिंग व्यू में मिलता था, यहाँ पे भी आपको मिलेगा। बट यहाँ पे आप कस्टम टाइम फ्रेम नहीं डाल सकते, आपको जो है इन 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में जो है जैसा है आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे डायरेक्टली आप इस वाले ब्लू आइकन पे सिलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर,
या स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लिमिट सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप फायर्स पे देखते थे या फिर ट्रेडिंग व्यू पे देखते थे। और सेटिंग्स वगैरह हो तो यहाँ पे आप सेटिंग चेंज करते हो, इस तरह का कुछ भी हो अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो जैसे मेरा कहने का मतलब है, ट्रेडिंग व्यू में ही है आपको सेम चीज़, यहाँ पे भी ये चीज़ मिल रहा है। तो देखिए, धन और ट्रेडिंग व्यू का जो है यहाँ पे पार्टनरशिप हुआ है, इसके वजह से आपको ट्रेडिंग व्यू का जो भी फीचर्स है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आने वाले टाइम पे जो है आपको, जैसे प्राइस अलर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ये भी धीरे धीरे जो है अपडेट पे लाया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसको भी आपको यूज़ करना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और यहाँ पे मार्केट्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो पहले से जो है प्री बिल्ट यहाँ पे स्टॉक दिया जाएगा, यहाँ पर आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके जो है देख सकते हो। अगर आप IPO या फिर न्यूज़ वगैरह भी चाहते हो तो यहाँ पे भी IPO क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो कि अपकमिंग में IPO क्या आने वाला है, यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हो कि यहाँ पे न्यूज़ वगैरह क्या है क्या नहीं, तो देखिए ग्लोबल न्यूज़ आपको मिल जाएगा, कमोडिटी न्यूज़ मिल जाएगा, इक्विटी पे मिल जाएगा, कमेंट्रेटी पे मिल जाएगा, ठीक है, कोरोना वायरस पे मिल जाएगा, बट हालांकि उसके बारे में नहीं जानते हैं, नहीं जानना चाहेंगे। बट यहाँ पे देखिए इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में जो जो चीज़ें अनाउंस की गई है, लाइक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की वजह से जो लैंडिंग चार्जेस है वो कितने पॉइंट्स में इंक्रीज हुआ, ये सारी चीज़ें आपको जो है लाइव मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम के साथ और डेट के साथ, तो सारी चीज़ें जो है अगर न्यूज़ वगैरह का फॉलो करते हो तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कॉमोडिटीज़ में अगर आप ट्रेड करते हो तो क्रूड ऑयल में न्यूज़ होता है, नेचुरल गैस में न्यूज़ होता है, फिर क्या क्या होता है सारी चीज़ें यहाँ पर जो है अपडेट आता है, और डोजन्स के बारे में क्या हुआ, कितना पॉइंट गिरा, सब कुछ यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा इस वाले सेक्शन पे। अब आते हैं वॉच लिस्ट में अगर आप कुछ जैसे आप यहाँ पे ऐड किए रहेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, तो इसको आप जो है इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड एज ए CSP। पोर्टफोलियो सेक्शन में क्या होता है कि आप यहाँ पे जो है आपका जो भी स्टॉक है या फिर आप जो पोजीशन होल्डिंग पे रखे हो तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाती है, चाहे वो स्टॉक्स हो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो। पोजीशन पे आपका जो है डे टू डे क्या हुआ, आज का प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पे ये चीज़ शो करेगा। ऑर्डर सेक्शन पे आप जाओगे तो आपने क्या क्या ऑर्डर किया है वो चीज़ शो करेगा, चाहे वो SIP हो या फिर बास्केट ऑर्डर हो, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है शो करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो फॉरएवर ऑर्डर है, मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो ऑर्डर कभी कैंसिल नहीं होगा, तो वो होता है फॉरएवर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मनी का बात किया जाए तो यहाँ पे मनी आप कितना ऐड करना चाहते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक कितना आपने विड्रॉ किया, कितना आपने पे इन किया, कितना आपका, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट अगेन, कुछ भी अगर इशू होता है तो आप कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हो, आपको जो है इसका बेनिफिट के बारे में सब कुछ समझा दिया जाएगा। तो ये था धन के बारे में, आई गेस मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके दिखाया, चार्ट वगैरह कैसे होती है, इनका प्लेटफॉर्म कैसे होता है, सब कुछ। तो अब आते हैं इसमें आपको क्या क्या और बेनिफिट मिल सकता है। तो देखिए, अगर आप मेरे लिंक से जो है अगर ओपन अप करते हो तो आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ले लूँगा, और ये बहुत ही लिमिटेड ऑफ़र है सबके लिए, क्योंकि अभी देखिए 41 सब्सक्राइबर्स है, तो बाद में जो है जब इसका 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इस ग्रुप को जो मैं क्लोज कर दूँगा, और उसके बाद जो है हम आगे और उसको देखेंगे कि क्या करना है। बट अभी फ़िलहाल के लिए जो धन की तरफ से है और मेरे तरफ से है, ये आपको एक सपोर्ट है कि यहाँ पे आप अगर ओपन करते हो तो यहाँ पे मैं आपको अपना टेलीग्राम जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर लूँगा, और उसमें आप देख सकते हो किस तरह का हम लोग इसमें डेली जो है अपना रिसर्च शेयर करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि देखिए, ये आप देख सकते हो यहाँ पे जून 16 दिख भी रहा है, जून 16 को हमने यहाँ पे डेल्टा कॉर्प को जो है यहाँ पे बाय करने का सजेस्ट किया है। आप टाइम भी देख सकते हो, 2:46 PM को हमने यहाँ पे बोला था कि आप डेल्टा कॉर्प बाय करो 163.20 पे, और आपका टारगेट पहला होगा 170.50, सेकेंड टारगेट होगा 180.10, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और डायरेक्टली चलते हैं डेल्टा कॉर्प पे, आपको यहाँ पे अगर दिखा दूँ तो देखिए, चलिए चलते हैं
इस वाले ऑप्शन पे आप देख सकते हो, इस वाले ऑप्शन पे अगर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो है 16th June है, ठीक है, इसको मैं आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लगा के दिखा रहा हूँ। तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखिए, ये जो है 16 है और 17 जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए 17, और मैंने यहाँ पे जो है कॉल क्या दिया था 163.20 पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करते हैं और यहाँ पे हम लोग प्राइस सिलेक्ट करते हैं 163.20, क्योंकि हमने टेलीग्राम पे भी यही चीज़ दिया है 163.20। देखिए यहाँ पे कुछ भी एडिट वेडिट नहीं किया गया, एडिट होता तो ऐसा कुछ ऑप्शन होता है, यहाँ पे एडिटेड लिखा था, ठीक है 163.20। तो हम लोग चलते हैं 163.20, मतलब देखिए इस पॉइंट से, ये देखिए ये जो है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है 17 से स्टार्ट हो रहा है और देखिए 163.20 जो कि मैंने 16 को कॉल दिया था 2 बजे के आसपास, ठीक है, आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हो, 2:46 हुआ था यहाँ पे मैंने डेल्टा कॉर्प का कॉल दिया था। डेल्टा कॉर्प का देखिए 163.20 से एकदम जो है एकदम हाई लगाया है, आप देख सकते हो ऑलरेडी उस दिन शायद 12% का सर्किट लगा था, आई गेस एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए 12% का जो है चेंजेस है, अपर सर्किट हिट किया था उस दिन, जो कि काफ़ी अच्छा है। लाइक आप देख सकते हो 163.20 से 184 का हमें मूवमेंट देखने को मिला, काफ़ी ह्यूज मूवमेंट है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा टारगेट जो था 180.10 सेकेंड टारगेट था, तो यहाँ पे हमें 184 तक का टारगेट सेम डे पे देखने को मिला, जो कि मतलब नियरली इम्पॉसिबल हो सकता है। बट यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ बात करूँ, सारी चीज़ें अभी जो है ट्रेड पे ही चल रही है, बट एक दो स्टॉप लॉस हो गए क्योंकि मार्केट सेलिंग में था। बट मार्केट सेलिंग में होने के बावजूद भी यहाँ पे देखिए डेल्टा कॉर्प में यहाँ पे मैंने आपको बाय के लिए सजेस्ट किया था, और कुछ कुछ वीडियो मैंने आपको YouTube में भी डाला था, बट पॉसिबल तो नहीं है कि क्योंकि इतने सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, अभी हर किसी का वीडियो बनाते जाऊं तो फिर मेरा तो हो गए। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप नीचे गए लिंक पे ये धन से आप अकाउंट ओपन कर ले और यहाँ पे जो है आपको ग्रुप एक्सेस दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको रेगुलरली जो है आपको कॉल प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे आप उसके बेसिस पे आप ट्रेड भी कर सकते हो। सो मैस डॉग भी ये जो है अभी करेंटली ट्रेड हो रहा है, चल रहा है हमारा ट्रेडिंग, और डेल्टा कॉर्प तो ऑलरेडी टारगेट दे ही चुका है, IOLC भी हमारा ट्रेड चल रहा है, और मेट्रोपोलिस थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा डाउट था, तो मैं वीडियो में भी ये चीज़ बोला था कि मेट्रोपोलिस से थोड़ा सा देख के मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट सेलिंग नज़र आ रहा है, तो उसके वजह से आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करो। बट ये तीनों जो है हम लोग का ट्रेड चल रहा है, और आगे भी बहुत सारे स्टॉक्स है जिस पे ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कल ही हम लोग अपने जो है ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ के बारे में, तो वो हम लोग जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।